हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम रूट 3.5, रूट 5 और रूट 9.3 को हम नंबर लाइन पे शो कैसे करते हैं वो सीखेंगे। तो हमें सबसे पहले रूट 3.5 को हमें नंबर लाइन पे शो करना है। रूट 3.5 को नंबर लाइन पे शो कैसे करना है वो देखेंगे। हमें सबसे पहले इसके लिए रूट 3.5 का एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। रूट 3.5 यूनिट का हम एक लाइन ड्रो करते हैं। यहाँ पे हो गया रूट 3.5 और हम इसके आगे भी हम एक यूनिट और ले लेते हैं। यहाँ पर हो गया, ठीक है। अब हम इसका नेम कर देते हैं, ये हो गया ए, ये हो गया बी मान लेते हैं, हम इसको ओ मान लेते हैं। ये ओ नहीं, ये जीरो हो गया। अब इसको मान लेते हैं वन, ठीक है। अब हम ए और वन इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रो करते हैं। परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इसके ऊपर। यहाँ पे एक पॉइंट पे रखेंगे और एक यहाँ पे रखेंगे। यहाँ से एक एक आर्क लगाएंगे एक इस साइड से और एक इस यहाँ से रखेंगे, फिर एक इस साइड से लगाएंगे और फिर एक इस साइड से लगाएंगे। फिर हम इन दोनों को मैच कर देंगे। तो ये हमारा परपेंडिकुलर बन गया। अब हम यहाँ पे इस सेंटर पे इसको रखेंगे और फिर ए तक का हम देखेंगे कितना है। हमने ए तक का ले लिया। अब यहाँ से हमें एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। यहाँ तक हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक एक यूनिट और ड्रॉ कर लेंगे आगे की साइड। यहाँ से एक एक यूनिट और ड्रॉ कर लेते हैं। थ्री यहाँ पे हो गया, फोर। तो यहाँ पे हम रख लिख लेते हैं। अभी यहाँ पे हो गया टू, ये थ्री, ये फोर हो गया और फिर ये आ गया हमारा, आगे जा रहा है। तो अब हम देखते हैं, अब हमें यहाँ पे क्या था हमारा, यहाँ से यहाँ तक का 3.5 डिस्टेंस था। तो हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं ऊपर 90 डिग्री का और हम इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको हमने कर लिया चेक, ठीक है। अब हम यहाँ से इस पे हम एक आंख लगा देंगे, ठीक है। अब ये वाला जो पॉइंट होगा, ये वाला, इसको हम नेम दे देंगे। ये हो गया हमारा रूट 3.5, ठीक है। ये इजी क्वेश्चन है बहुत। अब हम देखते हैं रूट फाइव को कैसे शो करेंगे। रूट फाइव को अब हम देखते हैं, रूट फाइव के लिए हमें एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। नेम देते हैं, ये हो गया ज़ीरो, वन टू थ्री फोर, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस वन कर देंगे, माइनस टू, माइनस थ्री और आगे भी बढ़ा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने ज़ीरो दिया था, ज़ीरो वन टू थ्री फोर, यहाँ पे माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री एंड माइनस फोर हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसमें चेक करना है पाइथागोरस थ्योरम। हमें ऐसा बनाना है कि ये रूट फाइव आ जाए। तो हम चेक करते हैं एक बार। जैसे हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर, ठीक है। ये हमने लेट कर लिया। हमें ए सी का स्क्वायर चाहिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम ले सकते हैं टू का स्क्वायर। हाँ, यहाँ पे हम टू का स्क्वायर ले सकते हैं और यहाँ पे हम वन का स्क्वायर ले सकते हैं। सो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू फोर प्लस वन। सो ए सी कितना हो जाएगा, रूट फाइव हो जाएगा। ये दोनों प्लस होके ये वाले स्क्वायर रूट में आ जाएगा, तो रूट फाइव हो जाएगा। मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, दो यूनिट का लेना पड़ेगा और ये वन यूनिट का परपेंडिकुलर लेना पड़ेगा। तो हमने ये वाला लाइन सही ड्रॉ करा है, ठीक है। अब हमें एक बड़ा फिगर चाहिए जिससे साफ क्लीन बने। तो हम इसे हम इंच में भी ले सकते हैं, पर हमने अब ले लिया है। इसको टू यूनिट नेम दे देते हैं। यहाँ से यहाँ तक का टू यूनिट हो गया।
अब हमें यहाँ से 1 यूनिट ऊपर की साइड लेना है, ठीक है। तो हम यहाँ से 1 यूनिट ले लेते हैं, ये हो गया हमारा 1 यूनिट। अब हमें क्या करना है, ये हमारा आ गया 2 यूनिट, ये हो गया 1 यूनिट। अब यहाँ से हमें इसको ज्वाइन कर देना है। हम यहाँ पे मैच कर देंगे यहाँ से। ये हमने 90 डिग्री का बनाया है, हम इसको 90 डिग्री का भी बना सकते हैं, एंगल से या डी की भी हेल्प से बना सकते हैं, और हम कंपास की हेल्प से भी हम इसको 90 डिग्री का बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो बनाया है ये मैंने स्केल से बनाया था, हम 90 डिग्री का बना लेते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं 90 डिग्री का। ये वाला हो गया, ठीक है। तो हमें ये तरीका है कि यहाँ से हमें परपेंडिकुलर ही ड्रॉ करना पड़ेगा, वरना हमारा गलत आ सकता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको इरेज भी कर सकते, इरेज कर लेते हैं, बस इतना इरेज करने में। और हमारा जो 90 डिग्री आया था वो एक बार दोबारा ले लेते हैं। यहाँ पे आया था 90 डिग्री, तो अब हम यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर ड्रॉ, ठीक है। अब हम इसको भी इरेज कर लेते हैं, इस वाले को, हो गया। अब हमें 1 यूनिट का, पहले हमें डिस्टेंस देखना है 1 यूनिट का। अब हमें यहाँ से एक यहाँ से आर्क लगा देनी है 1 यूनिट की। इस लाइन को भी रेस कर लेते हैं, ठीक है। इस लाइन को ही रेस कर लिया, इसको भी मैच कर देते हैं। अब यहाँ से जहाँ पे हमने 1 यूनिट की आर्क लगाई थी वहाँ से हम इसको मैच कर देते हैं। तो यहाँ पे ये जो है ये हमारी 2 यूनिट की, ये 1 यूनिट की ये वाली, ठीक है। और ये फिर हमारा क्या हो गया, √5 हो गया ये वाला। तो हमने यहाँ पे ये प्रूफ कर दिया था, ये हम इसको ए मान सकते हैं, इसको बी मान सकते हैं, और इसको सी, ठीक है। अब हम एक और स्टेप है इसका, इस वाले को, इन दोनों को हमें रेडियस मान लिया, और यहाँ से हम एक और आर्क लगा देंगे, ठीक है। तो जो ये वाला होगा ये हमारा बन जाएगा √5 ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। अब हम 9.3 को भी शो करते हैं, 9.3 जैसे 3.5 था वैसे ही 9.3 है। इसको हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं ताकि हमारे जो परपेंडिकुलर बनेगा वो ऊपर बन जाएगा। यहाँ पे हम देखते हैं √9.3, सबसे पहले हमें 3.9 सेंटीमीटर का एक लाइन ले लेना है, 9.3 हो गया। अब हमें एक और एक्स्ट्रा लेना है, यहाँ पे ले लेंगे हम 10.3, यहाँ पे हमने ले लिया, ठीक है। इसको ले लेते हैं ए, ये हो गया 0, ये हो गया 1, ठीक है। अब हमें ए और 1 जो नंबर है उसके बीच में हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं एक यहाँ से,
अभी ये तो हमारा ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे इस साइड जा रहा है ऊपर, और एक यहाँ पे नीचे जा रहा है, यहाँ पे ले लेते हैं। और अब हम यहाँ से चेक करते हैं, ये यहाँ पे मिल रहा है, और एक यहाँ पे ये वाला जो है यहाँ पे इंटरसेक्ट नहीं करता, हम इसको करवा देते हैं। ये हो गया हमारा, अब इन दोनों को हम मैच कर देते हैं। यहाँ पे बीच वाली लाइन थोड़ी सी सीधा नहीं है, तो इसको सीधा कर लेंगे अब। ये हमारे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब यहाँ से और यहाँ तक का डिस्टेंस ले लेते हैं। ये सेंटर हो गया हमारा, और ये हो गया ए, ठीक है। अब यहाँ से एक सेमी सर्कल बनाएंगे, ये सेंटर, और यहाँ से सेमी सर्कल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब ये हो गया हमारा, ये लाइन ना इसके आगे से चले गई, इसलिए यहाँ से ये ज़्यादा बड़ा हो गया है। अगर हम इक्वल लेंगे तो हमारा इक्वल आएगा, ये 1 सेंटीमीटर थोड़ा सा और आ गया है। यहाँ पे 9.3 तो ठीक है, थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको कट कर लेते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे बस थोड़ा सा। ये हो गया 1 सेंटीमीटर का, ये हमारा यहाँ से आगे जा रहा है, यहाँ पे होता है ये, तो इस पर आ जाता है ये, ठीक है। तो ये हमारा बन गया, हम मान लेते हैं एक ही पे जा रहा है, एक पे 1 पे मिल रहा है, ठीक है, ये मिल रहा है 1 पे, यहाँ पे 1 लट कर लेते हैं 1, ठीक है। यहाँ पे हो गया 1, अब हम एक एक यूनिट और इंक्रीज कर देते हैं, 7, 8, ये 2 हो जाएगा, ये 3, ये 4। अब हमें यहाँ से एक परपेंडिकुलर, हमें 90 डिग्री का चाहिए, तो हम किसी भी चीज़ से, डी से, कंपास से, स्केल से, मैं स्केल से कर रहा हूँ, ठीक है। और ये हम इसको रेडियस मान लेंगे, ये हो गया हमारा रेडियस। ये रेडियस है, इस वाले रेडियस से हमें ये हो गया हमारा 9.√9.3, ये हमारा नंबर लाइन पे शो हो गया। तो इस तरह से हम शो कर सकते हैं, हमने ये 3 शो करे नंबर लाइन पे, 3.5√5 और 9.3। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।